सुनने में आता है कि आए दिन नगर निगम के पास न जाने सरकार कितने पैसे देते हैं सफाई करवाने के लिए, लेकिन सफाई बिहार में किस कदर है आप जरा देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कि यही सफाई है, इससे न जाने कितनी बीमारियाँ लोगों को फैलेगी। कोरोना को तो छोड़िए, कितने लोग, ये चैम्बर इस तरीके से खुला हुआ है कि कितने लोग तो इसमें गिर गए, यहाँ के लोगों का ही कहना है। सर बताइए जरा, क्या आप अभी कह रहे थे कि पूरा कब से खुला हुआ है? ये खुला हुआ है 15 दिन से ऊपर हो गया। अच्छा, इन्हें इसको बंद करने का कोई व्यवस्था नहीं किया गया? नहीं, अभी तक नहीं किया गया। पटना नगर निगम की तरफ नहीं आया है, आके देख के चला गया। तो आप अभी कह रहे थे कि इसमें कुछ लोग मतलब गिर भी गए हैं, क्या रास्ता, ये पैसेंजर जो आते जाते हैं वो गिर गए हैं 2-3 को। ये इतना गंदा पानी है, ये बीमारी का भी कारण हो सकता है? हाँ, कोरोना टाइम चल रहा है। कोरोना तो खैर अलग चीज है, इससे तो डेंगू है, जाना जाने कितनी हो जाएगा, हो जाएगा। सर आप क्या बोलिएगा, कितना लोग बीमार पड़ा है, कितना लोग का हाथ पर टूट गया है, यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, प्रशासन को सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ न चाहिए। आप सब में से किसी ने कंप्लेन किया है क्या पटना नगर निगम को? वो तो रोज देख के जाता है। अच्छा, तो अच्छा देख के जाते हैं, तब सफाई नहीं हो रहा है, देख रहे हैं नाला का क्या पोजीशन है यहाँ। आप देखिए जरा कि ये कड़भगैया स्टेशन के पास का क्या हालत है, हर जगह नाले खुले हुए हैं, इतने गंदे गंदे पानी बह रहे हैं। आप जरा देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, यहाँ का दृश्य कितना ही घटिया है। आप जरा देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सारी गंदगी फैली हुई है कि लोगों को न जाने किस तरह की बीमारियाँ फैल सकती है। लोग कोरोना से तो यहाँ पे खौफ खा ही रहे हैं, कोरोना से बचे कि न जाने और कितनी बीमारियों का लोग इलाज करवाएंगे यहाँ पे। यहाँ के लोगों से हम जानते हैं कि वो इस बारे में पटना नगर निगम के बारे में क्या कहते हैं। हाँ मैम, ये 4-5 दिन से पानी ऐसे ही नाला का बह रहा है रोड पे और कोई इस पे ध्यान है नहीं। नगर निगम चूंकि जंक्शन का मेन रोड है, इसको और नेट एंड क्लीन होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है आप नगर निगम की तरफ से। सही बोल रहा है, हमेशा यही होता है बरसात में, तो और पूरा गंगा जल पास है। ब्लीचिंग पाउडर वगैरह ये सब कुछ भी कुछ नहीं काम होता। मतलब आप कहना चाह रहे कि नगर निगम के द्वारा यहाँ पे कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है? ध्यान रहता तो लाइव सामने है ना, देखिए तब तो लाइव है ना, सामने है तो स्टेशन का प्लस बैरिकेडिंग है, पूरा बैरिकेडिंग है, और मतलब आदमी को चलने में भी नहीं बन रहा है, और जो उधर से लोग जाते हैं मतलब उनको जानकारी होने के बाद ये रवैया है। हर रोज तो आते हैं, सब देखता है, कोई मतलब कुछ तरह किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन नहीं है। आप लोग में से कोई कंप्लेन लिख करके दिया क्या? कंप्लेन क्या करेगा, रोज आता है, बोलता है, आदमी मुँह से चला जाता है डेली, कोई उसका ये नहीं है, कुछ नहीं होता है। और ये तो हर रोज का यही है, इंसान उधर से जाना चाहता है तो कभी चोट लग जाता है, कभी बरसाता है, बरसात में आके देखेगा ना पूरा गंगा जल मिलेगा आपको। तो बरसात की तो अलग बात है, लेकिन अभी तो न, अभी का ये बात है, अभी तो कोई बरसात नहीं है, फिर भी देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि अभी की गर्मी है, ये की गर्मी में इस तरह का पानी बहना, ये प्रशासन का किस तरह का रवैया शो करता है। प्रशासन को छोड़िए, पटना नगर निगम की अगर हम बात करते हैं तो वो, इनका कहना है, यहाँ के वासियों का कहना है कि वो डेली यहाँ पर आते हैं और देख करके चले जाते हैं, वो इस पर किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। आपको अगर सरकार को इसके लिए, आप कोई कंप्लेन वगैरह क्यों नहीं करते हैं? अगर आपको परेशानी है तो वो लोग देख के जाते हैं, पटना नगर निगम के खिलाफ कर दीजिए कंप्लेन। वो तो करना जरूरी है, क्योंकि इस तरह का रहेगा तो फिर नुकसान है तो सबका, हम लोग का ही ना। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, करिए ना। करेंगे, करेंगे, कल परसों करेंगे, होली के बाद देख लेते हैं, कल परसों में कंप्लेन कर दीजिए। ये बीमारी का घर है और वो नाला वो सबको ढकवाइए, इस तरह का चैम्बर किस तरीके से लोगों के जान पे हावी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, लेकिन भारत तो बाद में, पहले अगर हम अपने राज्य की बात करें बिहार की, तो आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे गंदगी फैली हुई है। यहाँ पे लोग तरह तरह के कचरे फैलाए हुए हैं, नाले खोले हुए हैं, और ये तरह तरह के बीमारियों का घर है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि नगर निगम को जानकारी होने के बावजूद नगर निगम इस पे कुछ नहीं कर रही है। आज की खबर में फिलहाल इतना ही, मैं हूँ अपराजिता और कैमरे के पीछे हैं प्रत्युष सिंह, धन्यवाद।